एक ओर जहां बुजुर्ग लोग कोरोना को लेकर खौफजदा हैं, तो वहीं मुरादाबाद की रहने वाली 100 वर्षीय वृद्धा शांति देवी ने कोरोना को मात देकर यह साबित कर दिया है कि इंसान के अंदर अगर जीने का जज्बा और आत्मविश्वास हो तो वह किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को हरा सकता है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर 100 वर्षीय वृद्धा शांति देवी को एक सप्ताह पूर्व रेलवे के कोविड-19 हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। रविवार को कोरोना से जंग जीतकर अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर वृद्धा शांति देवी को अस्पताल के अधिकारियों व स्टाफ ने पुष्प वर्षा कर उन्हें अस्पताल से विदाई दी। रेलवे अस्पताल के अधिकारियों ने वृद्धा शांति देवी के स्वस्थ होने पर शुभकामनाएं दी। कोविड को लेकर लगातार अच्छा कार्य कर रहा है, तो इस बार क्या नई उपलब्धि हासिल हुई है? देखिए, ये हमारा जो कोविड का जो एल1 सेंटर है यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, इसमें से आज श्रीमती शांति देवी जो कि 100 वर्ष से ज्यादा आयु की है, ये करीब 8 दिन पहले हम लोग अस्पताल में एडमिट हुई थी और इनको काफ़ी सारे कोविड रिलेटेड सिम्टम्स थे। पल्सेट इनका ज़्यादा था, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम था और फीवर भी था। आज जो है हम लोग के डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ, नर्सेज, बाकी हॉस्पिटल स्टाफ की मेहनत से ये स्वस्थ होकर के आज हमारे से डिस्चार्ज होकर जा रही हैं। इसी अवसर पे हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। रेलवे का क्या प्रयास रहता है सर इस कोविड को लेकर उन लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए? देखिए, रेलवे ने अपने सभी स्टेशनों पर लगातार जागरूकता के कैंपेन चला रखे हैं। हम लोग ना केवल अपने स्टाफ को बल्कि पैसेंजर्स को और जो हमसे जुड़े हुए और लोग हैं, जैसे जो हम लोग यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं, उनके एम्प्लॉइज़ हैं, उनको लगातार क्या क्या प्रोटेक्शन बरतने हैं उसके बारे में काउंसिल करते रहते हैं। जहाँ तक संभव होता है उनकी जो प्रोटेक्शन के लिए मास्क है, सैनिटाइज़र है या हाथ धोने के प्रबंध है, उनको मुहैया कराने में भी उनकी मदद करते हैं। इस कैंपेन में लगातार हमारा सहयोग बना हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कि हम लोग कोरोना को जितना अधिक से अधिक इसका संक्रमण बचाने से रोक पाएँ उतना रोकें। थैंक यू सर जी। डॉक्टर साहब, आज ये कौन मरीज़ डिस्चार्ज हो रहे हैं, कौन थे, क्या नाम है, कब भर्ती हुए थे? ये हमारा उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल का कोविड आइसोलेशन L1 सेंटर है, जिसको हम अगस्त के माह से संचालित कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने करीब 182 से ज़्यादा कोविड के पेशेंट्स को यहाँ पर उनका इलाज किया है और सफलतापूर्वक 100% हमारी रिकवरी रेट के साथ उनको डिस्चार्ज किया है। आज का विशेष ये है कि हमारे इस सुविधा में एक 100 साल जिनकी आयु है, 100 साल से ऊपर जिनकी आयु है, श्रीमती शांति देवी, वो हमारे यहाँ राज्य सरकार प्रशासन द्वारा उनको पॉजिटिव पाए जाने पर यहाँ पर भर्ती किया गया था। 7 दिन के बाद आज उनको सफलतापूर्वक इलाज कर हम उनको डिस्चार्ज करने जा रहे हैं। ये यहाँ आशियाना कॉलोनी की रहने वाली हैं और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम इतने वयोवृद्ध मरीजों को अपने सेंटर से सकुशल इलाज करके उनके घर पर भेज रहे हैं। और इस कोरोना के लिए, क्योंकि इतना लोगों में भय व्याप्त है, एक बड़ी प्रेरणा की बात है कि जिन लोगों में इस बीमारी से लड़ने का जज्बा है और जिनको सुविधाएं अस्पताल की ठीक मिल रही हैं, तो रिकवर होकर वो अपने नॉर्मल लाइफ में वापस लौट रहे हैं। थैंक यू।